आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाव यात्रा वो रोहतक से शुरू की थी और छोटे राम जी की समाधि थी और आज शाम को पंडवल में जाके जातीय सेवा समिति स्मारक के ऊपर का इस देश के अंदर परसों से किसान स्वागत दे चुके हैं। एक साथ में किसान आंदोलन के और लगभग 10 महीने से किसान बोर्डों के ऊपर बैठा हुआ ना केंद्र सरकार बात करती हरियाणा सरकार कभी इनको आतंकवादी कहती है कभी खालिस्तानी कहती है कभी लाठी मरवाती है तो कभी सिर फुड़वाती है देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करती है आतंकवादियों के साथ व्यवहार करती है। इन सब मुद्दों को लेके किसान जो शहीद हुए उनके शहीद का दर्जा देने के लिए उनके परिवार को एक नौकरी देने के लिए आज ये यात्रा समापन की ओर बढ़ रही है। नपा के नपा विधानसभा में हम गए 22 जिलों के अंदर गए लोगों का भरपूर समर्थन मिला। आज मैं मेवात में हूँ जहाँ से मेवात की शुरुआत हुई वहाँ से लेके पुराना तक लगातार हर विधानसभा के अंदर अपार जनसमूह उमड़ा और इस यात्रा को जो आशीर्वाद मिला है मैं समझता हूँ इस गूंगी बहरी तालिबानी सरकार जिसका सिर फुड़वाने से देशद्रोही के मुकदमे कराने से पेट नहीं भरा किसान की भूमि छीननी जिसने शुरू कर दी जिसने कहा कि खट्टर साहब ने कि श्यामलाल दे श्यामलाल फूला श्यामलाल पाने की जमीन बिना एक रुपया दिए हुए अब हरियाणा सरकार के नाम फिरा दी गई किसानों के पास वो जमीन नहीं बची। और इसी प्रकार 24 अगस्त 2021 को हरियाणा के विधानसभा में कानून पास किया कि अब हरियाणा के अंदर किसान की जमीन अक्वायर करने के लिए 80% किसानों की सहमति अनिवार्य का कानून खत्म कर दिया गया। यानी अब अडानी और अंबानी जमीन को पसंद करेंगे खट्टर साहब एक्वायर करके उनके नाम रजिस्ट्री करेंगे किसान बेचारा देखता रहेगा। मैं ऐसी बात कहता हूं कि खट्टर साहब अपना विश्वास खो चुके और कांग्रेस दोहरा चरित्र रखे हुए है। कांग्रेस खेमों के अंदर बटी हुई है। कांग्रेस या तो जीतती नहीं है आज जीती है तो जीती जिताई बिक जाती है या फूट पड़के कांग्रेस के को बीजेपी के द्वारा तोड़ दिया जाता है। आपने मध्य प्रदेश देखा होगा आपने गोवा का आलम देखा आपने राजस्थान में किस तरीके से विधायकों को छुपा के रखा गया वो देखा और अब आप पंजाब देख रहे हैं। तो इसलिए अगर इस तालिबानी सिस्टम से पीछा छुड़वाना है अगर बीजेपी और जेजेपी की साझी सरकार को हरियाणा से भगाना है तो जनता के विश्वास खो चुकी है तो आम आदमी पार्टी एकमात्र रास्ता है। मैंने पूरी दुनिया के अंदर दो चीज अजीब देखी है एक तो चुनाव हुआ मुख्यमंत्री चुने हुए मंत्री चुने हुए विधायक अपने क्षेत्र के अंदर फंक्शन करते समय डरते हो क्योंकि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं और जनता उनके साथ नहीं है। और दूसरा देश के अन्नदाता का इतने भारी बेइज्जती आज़ादी के बाद अगर पहली बार सबसे घृणा का काम किसानों के साथ हुआ है तो इस बीजेपी की सरकार ने किया है बीजेपी की केंद्र सरकार ने किया है और बीजेपी के हरियाणा सरकार ने किया है तो दोनों को बदलने की जरूरत है। पंजाब में एक कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के खेमे के साथ मिलकर कांग्रेस के दो भागों में बांटने का काम किया है और मैं समझता हूँ कांग्रेस ने खुद को ये आत्मघाती रास्ता अपनाया है ताकि कांग्रेस के कुछ थोड़े बहुत विधायक जो आने थे वो भी ना आए। आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत पहले सभी चैनल बता रहे थे और कल तो कैप्टन साहब और सिद्धू साहब दोनों खेमों ने कह दिया था कि हम आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं 50 विधायक वहाँ जाना चाहते हैं परंतु आम आदमी पार्टी इन सब बातों से सचेत है उनका घरेलू झगड़ा है वो खुद मुक्त है।